नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री उपदेशामृत श्लोक संख्या 2 के ऊपर आगे चर्चा जारी रखते हुए अभी तक हमने देखा अत्याहार, प्रयास और प्रजल्प, तीन कार्य जो भक्ति में अवरोधक हैं। आज नियमाग्रह से प्रारंभ करते हैं। तो नियमाग्रह के दो अर्थ हैं, नियम आग्रह और नियम अग्रह। यानी कि अत्यधिक आवश्यकता से अधिक नियमों में आसक्ति या नियमों को पालन न करना, उनके प्रति उदासीन होना, ये दोनों चीज़ नियम आग्रह कहलाती हैं। नियम जो नित्य रूप से जो हम कार्य करते हैं उसमें दो श्रेणियां हैं। एक जो शास्त्रों के द्वारा रेकमेंडेड अनुमोदित हैं और दूसरा निषेध। तो विधि निषेध, इसके दो प्रकार हैं नियमों के, विधि और निषेध, जो अनुमोदित हैं और जिनकी मनाही है। तो ये नियमाग्रह में एक महत्वपूर्ण बात जो भक्तिवेदांत ठाकुर समझाते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति में सबके अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग स्तरों से सब लोग गुजरते हैं और इसीलिए अलग अलग स्तर पे अलग अलग प्रकार के नियम होते हैं, विधि निषेध होते हैं। इसीलिए जो हमारा स्तर है उस स्तर के विधि निषेध को पालन करना वो सही है। अगर हम निम्न स्तर के जो विधि निषेध हैं उनको पकड़ के रखते हैं तो वो नियमाग्रह बन जाता है। यानी हम ऐसे नियमों को पालन करने में उत्सुक हैं जो हमारे स्तर के जो नियम जिन फलों को देंगे उससे निम्न स्तर के फलों को देने वाले हैं। और नियम अग्रह वो दोष होगा यदि हम अपने से ऊपर के स्तर के जो नियम हैं उनको पालन करने जाएंगे और अपने स्तर के नियमों को छोड़ देंगे तो वो नियम अग्रह बन जाएगा। तो इसलिए नियम अग्रह क्या है कि जो निम्न स्तर के नियम हैं, हमारे स्तर से जो नीचे के स्तर के नियम हैं उनको छोड़ने की जरूरत है, उनको छोड़े बिना उनको पालन करते रहें। और हमारे स्तर से जो ऊपर का स्तर है ऐसा सोच करके कि हम वहाँ हैं, अपने जो स्तर के नियम हैं उनको नहीं करें तो वो नियम अग्रह हो जाएगा। जैसे सहजिया, वो सोचते हैं कि हम महाभागवत बन गए, अभी हमें विधि विधान, ये जो साधना भक्ति के विधि विधान को पालन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो नियम अग्रह हो गए। हमारा जो भी स्तर है उसके नीचे के स्तर का नियमों को पालन करना, हाँ, जो अभी छोड़ने चाहिए, जैसे कर्मकांड के नियम हैं तो भक्ति में प्रवेश करने के बाद कर्मकांड और ज्ञान के नियमों को छोड़ना होता है, लेकिन उनको ही पकड़ के रखना वो फिर नियम आग्रह कहलाएगा। तो वो थोड़ा आएगा आप आगे विस्तार से। तो इस विषय में श्रीमद् भागवत में उद्धव को भगवान कृष्ण ये एक महत्वपूर्ण संदेश देते हैं, स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा सगुणा परिकीर्तितः विपर्ययस्तु दोषस्यात् उभयोर एष निश्चयः। देश कालादि भावानां
वस्तूनां मम सत्तम गुणदोषौ दोषौ विधीयेत नियमार्थन नियमार्थम ही कर्मणाम। स्टेडीनेस इन वन्स ओन पोजिशन इज डिक्लेयर टू बी एक्चुअल पायटी, वेयर एज डिविएशन फ्रॉम वन्स पोजिशन इज कंसिडर्ड इम्पायटी। जो भी हमारी अपनी स्थिति है उसमें बने रहना, यानी उसके नियमों को विधि निषेधों को पालन करना, वो वास्तविक पुण्य है, और उससे विचलित होना, दूसरे के स्तर के नियमों को पालन करना, वो पाप है। वन मैंस फूड इज अनदर मैंस पॉइजन। तो जो हमारे स्तर के जो नियम हैं उनको पालन करना वो शुभ है, और दूसरे के स्तर के नियमों को पालन करना वो अशुभ है। ओ सेंटली उद्धवा, इन ऑर्डर टू रेस्ट्रिक्ट मेटेरियलिस्टिक एक्टिविटीज आई हैव एस्टैब्लिश्ड दैट विच इज़ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर अमंग ऑल मेटेरियल थिंग्स इंक्लूडिंग टाइम स्पेस एंड ऑल फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। तो इस प्रकार से क्या सही है, गुण और दोष, क्या गुण है क्या दोष है, हर काल और परिस्थिति स्थान इत्यादि के संदर्भ में भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से निर्धारित किया है, और अलग अलग स्तर के लोगों के लिए, और उस प्रकार से वो गुण और दोष बनता है। तो स्वे स्वे अधिकारे या निष्ठा, जो भी हमारा अधिकार है उसके अनुसार जो विधि निषेध हैं उनको पालन करने से शुभ, और उनको पालन ना करने से या दूसरे के स्तर के नियमों को पालन करने से अशुभ बनता है। अभी ये जो विधि निषेध हैं इसकी दो मुख्य विभाग हैं, एक बद्ध अवस्था के विधि निषेध और एक स्वाभाविक जो हमारी स्थिति है, संवैधानिक स्थिति है, उसके विधि निषेध। तो जो संवैधानिक स्थिति है जीव की, उसमें एकमात्र विधि है, प्रेस्क्रिप्शन है प्रेम, और एकमात्र निषेध है ईर्ष्या। ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं। बद्ध अवस्था के अंदर अनेक प्रकार के विधि और निषेध होते हैं। बद्ध अवस्था के अंदर संवैधानिक स्थिति में सरल है, केवल कृष्ण प्रेम, वही एकमात्र चीज है। लेकिन जब बद्ध अवस्था है तो क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्तर हैं, इसलिए उसमें विधि और निषेध भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि ये सारे विधि निषेध तीन स्तर पे होते हैं बद्ध अवस्था में, कर्म, ज्ञान और भक्ति। तीन स्तर पे ये विधि निषेध होते हैं, कर्म के स्तर पे विधि निषेध, ज्ञान के स्तर के विधि निषेध और भक्ति के स्तर के विधि निषेध। तो जो कर्म विभाग है उसके अंतर्गत वर्णाश्रम के जो विधि हैं, वर्णाश्रम धर्म के अंतर्गत जो विधि हैं और जो दशविध संस्कार हैं वो विधि हैं कर्म मार्ग के अंदर। और पाप में जो कृत्य बताए गए हैं वो सब निषेध हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णाश्रमलंबी हैं, जो कर्म मार्ग के अंदर वर्णाश्रम का पालन करते हैं, वो हमेशा इस प्रकार से वर्णाश्रम के विधि, उनको अपने अपने वर्ण के अनुसार जो भी रिकमेंडेड है उसको करना वो पुण्य बनाता है, उससे उनको भौतिक सुख प्राप्त होता है, और उसके विपरीत पाप कर्म दिए हैं उसको करना पाप कहलाता है। कुछ सामान्य पाप कृत्य हैं जो हर एक के लिए पाप हैं, और कुछ हैं एक वर्ण के व्यक्ति हैं लेकिन दूसरे वर्ण के लिए वो पाप नहीं गिने जाएंगे, इसलिए वर्ण के अनुसार भी अलग अलग है। उसी प्रकार से ज्ञान मार्ग में संन्यास, त्याग, अनासक्ति, आत्मा और जड़ पदार्थ में भेद करना, उसको विचार विमर्श करते रहना, कंटेम्पलेट करना, ये सब विधि हैं। और भौतिक सकाम कर्मों में लिप्त होना और पाप में कृत्य में लिप्त होना, आसक्ति बनाए रखना, ये सब निषेध हैं। उसी प्रकार से भक्ति में जो भी क्रियाएं भक्ति के लिए अनुकूल हैं और वो भी ज्ञान की क्रियाएं जो अनुकूल हैं उसको करना विधि है, और ज्ञान कर्म जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है उसको करना वो निषेध है।
तो इस प्रकार से पूरे मनुष्य समाज में सब लोग अलग अलग स्तर पे हैं। तो मुख्य रूप से ये स्तर हैं, कुछ लोग विकर्मी हैं, फिर कुछ लोग कर्मकांडी हैं, फिर कुछ लोग ज्ञानी हैं, और फिर कुछ भक्त हैं। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चेतामृत के अंदर ये वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से बहुत से लोग हैं जो कोई शास्त्रों का पालन नहीं करते, मनमाने ढंग से इंद्रिय भोग करते हैं, वो विकर्मी कहलाते हैं। थक जाओगे आप बहुत पसीने में, कोई बात अभी ऊपर से बारिश आ गई। ठीक, फिर ऐसे बहुत सारे विकर्मियों से कुछ लोग हैं जो कि कर्मकांडी, जो पुण्य कर्म करते हैं भोग करने की इच्छा से, भौतिक भोग की इच्छा से। और ऐसे बहुत सारे कर्मकांडियों में से कुछ लोग हैं जो निर्विन्न चेतसा, इस भौतिक जगत में इंद्रिय भोग छोड़ करके मुक्त होना चाहते हैं, निराकार ब्रह्मलीन होना चाहते हैं, वो ज्ञानी। और फिर कोटि कोटि ऐसे ज्ञानियों में से कोई एक भक्त है जो ना भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त है, ना भौतिक जगत में अनासक्त है, मतलब उससे फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा है, तो वो व्यक्ति भक्ति के लिए योग्य है, भक्ति पथ अपनाने के लिए। तो इसलिए फिर भगवान उद्धव जी को बताते हैं कि जब कोई भक्ति के स्तर पे है तो फिर उसे कर्म और ज्ञान उसके नियमों को पकड़ के नहीं रखना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। यानी कि केवल कर्म और ज्ञान, केवल जो भक्ति के लिए अनुकूल है केवल वो करना है, लेकिन सामान्य जो कर्म और ज्ञान का मार्ग है उसको छोड़ना है। इसलिए भगवान कहते हैं तावत कर्माणि कुर्वीता ना निर्विद्येत यावता मदकथा श्रवणादौवा श्रद्धा यावन ना जायते। जब तक मेरी कथा के श्रवण में श्रद्धा जब तक नहीं होए तब तक ही कर्म करने चाहिए, उसके बाद कर्म नहीं करने चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, धर्म सभी अन्य निष्काम कर्म करना इत्यादि वो सब छोड़ करके केवल भगवान की भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। तो इस प्रकार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान शास्त्रों के नियमों का पालन करते रहना, या कर्मकांड के नियमों का पालन करना, या जो सामान्य समाज में इमीडिएट तुरंत प्राप्त होने वाले सुखों के लिए व्यावहारिक दृष्टि से जो नियम बनाए गए जाते हैं, यानी कि नास्तिकों द्वारा जो सभी नियम बनाए जाते हैं, उनके प्रति भी आसक्ति होना, वो भी नियमाग्रह में आएगा। तो जो कर्मकांड है उसके नियम कैसे हैं? लॉन्ग लास्टिंग सुख, स्वर्ग जाने का सुख। लेकिन वर्तमान समय में क्या बात होती है, स्वर्ग ये किसने देखा? तुरंत की बात करो, आज देखा है हमने, आज की बात करो। तो इसलिए उनके सारे नियमों का आधार क्या होता है? इमीडिएट बेनिफिट, प्रेयस, श्रेयस का वहाँ कोई विचार नहीं है, प्रेयस। और उनका तथाकथित एक सिद्धांत है, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, ये उनका इस आधार पे वो लोग नियम बनाते हैं कि क्या चीज़ सही है जिससे सर्वाधिक सुख सर्वाधिक लोगों को प्राप्त हो सके, वो सही है। दिस इज मॉडर्न नास्तिक ये विचार है। तो ऐसे सभी नियमों के प्रति आसक्ति होना, वो भी नियमाग्रह के अंदर आता है। फिर भक्ति के अंतर्गत भी बहुत सारे स्तर हैं, जो भक्त हैं उनमें भी अलग अलग स्तर हैं, तो उसमें भी ये विचार करना पड़ेगा, नियमाग्रह नियमाग्रह। भक्ति के जिस स्तर पे हम हैं उस स्तर के नियमों को करना है, जिस स्तर पे हम नहीं हैं, विशेष रूप से जो ऊपर के भक्त हैं उनके लिए जो नियम हैं उनको करना, वो फिर नियम मतलब उसकी वजह से अपने नियम छोड़ दें, नियमाग्रह बन जाएगा वो, जैसे सहजीय लोग करते हैं। तो भक्ति की जो अलग अलग स्तर हैं उसके बारे में रूप गोस्वामी बताते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग अथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस तथा अथासक्ति ततो भावस तथा प्रेमाभ्यनंजति साधकानामयम प्रेमनः प्रादुर्भावे भवेत क्रमः। तो 9 स्तर बताए गए हैं भक्ति के अंदर,
सोन कुमार पता है आपको? नहीं, एक स्तर, कोई एक स्तर नहीं, सबसे पहला स्तर कैसे भक्ति प्रारंभ होती है? सबसे सुनने से। लेकिन कौन सुनेगा? सब लोग तो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है ना, तो सुनने से पहले भी कुछ चाहिए, श्रद्धा। वेरी गुड। तो ये पहला स्तर है भक्ति के अंदर, श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। हमने अभी श्लोक पढ़ा ना, तो जब हम क्लास में बैठते हैं तो मन भी यही होना चाहिए शरीर के साथ साथ, करेक्ट है ना? प्रयास करना चाहिए कम से कम। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगत। तो ये पहला जो भक्ति का स्तर है वो है श्रद्धा, यहाँ से प्रवेश भक्ति में, एंट्री होती है, प्रवेश होता है, आदौ श्रद्धा। फिर उसके बाद जो श्रद्धावान हैं वो क्या करते हैं? फिर साधु संग करते हैं, वो साधु का संग करने के लिए उत्सुक होते हैं। और फिर जब साधु संग होता है तो साधु संग में फिर आगे क्या होता है? भजन क्रिया प्रारंभ होती है, भजन क्रिया प्रारंभ होती है। तो भजन क्रिया का पहला स्तर क्या है? श्रद्धा। भजन क्रिया से पहले तो आ गया ना श्रद्धा, आदौ श्रद्धा तथा साधु संग, भजन क्रिया। भजन क्रिया का पहला स्टार्टिंग क्या है? आदौ गुरु पाद आश्रय। भजन क्रिया प्रारंभ होती है गुरु की शरण ग्रहण करने से। आदौ गुरु पाद आश्रय, हम जो 64 जो पढ़ते हैं साधना भक्ति के अंग, उसमें सबसे पहला आदौ गुरु पाद आश्रय है ना, और उसके बाद फिर शिक्षा ग्रहण करना, फिर दीक्षा ग्रहण करना, सेवा करना, और फिर श्रीमद् भागवतम श्रवण, नाम श्रवण, अर्च विग्रह सेवन, एक के बाद आते हैं। जैसे सबसे पहले भजन क्रिया प्रारंभ होती है गुरु पाद आश्रय। उसके बाद अगला स्तर भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जितने भी हृदय के अंदर सब ऐसी चीज़ें हैं जो भक्ति के लिए अवरोधक हैं, धीरे धीरे भक्ति के प्रभाव से, भक्ति क्रिया के प्रभाव से उनका नाश होता है, उसको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। और उसके बाद आती है फिर निष्ठा। तो जो पहले श्रद्धा थी वो कोमल थी, लेकिन अभी निष्ठा पे वो श्रद्धा बहुत मजबूत हो जाती है। कोई किसी प्रकार का अन्य कोई तर्क सुन के भी वो श्रद्धा हिलती नहीं है, वो निष्ठा है। और निष्ठा के बाद फिर रुचि, और रुचि के बाद आसक्ति, और आसक्ति के बाद भाव, और उसके बाद प्रेम। तो इस प्रकार से ये भक्ति के भी अलग अलग स्टेजेस हैं। मुख्य रूप से ठीक है चार, तो भक्तों को भी हमें, हम जिस स्तर पे हैं उस स्तर के नियम क्या हैं वो समझने चाहिए और वो करने चाहिए। तो जैसे हमने कहा कि अक्सर क्या गलती करते हैं कि वो जो सहजिया लोग हैं वो अपने को रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम ऐसे स्तर पे सोचते हैं, और जो वास्तव में शास्त्रों में बताया है कि जो निष्किंचन भक्त हैं अति उत्तम इस अवस्था में है, तो उनके लिए जो विधि विधान हैं उनको पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पापाचार करने की वृत्ति उनके अंदर नहीं है। तो और भक्ति के सभी अंग वो नियम में बंद होकर के नहीं, इनको रुचि है तो इसलिए स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो सहजिया जो हैं वो इस प्रकार से वो सोचते हैं हम उस स्तर पे हैं और नियमों को छोड़ देते हैं, तो इस प्रकार से उनकी प्रगति में बहुत बड़ी रुकावट उत्पन्न होती है। और सभी जो नियम हैं, विधि निषेध हैं भक्ति के, एक्चुअली सभी शास्त्रों के, समस्त शास्त्रों के जितने भी विधि निषेध हैं उसका सार कौन सा विधि निषेध है? संस्कृत स्मर्तव्य सततम विष्णु स्मर्तव्यो न जातोचित सर्वविधि निषेधस्योर एतयोरेव किंकर 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 मतलब सेवक। सारे विधि निषेध शास्त्रों के वो इस विधि निषेध के किंकर हैं, हमेशा भगवान को स्मरण करना और हमें कभी ना उनको भूलना, क्योंकि ये परम सिद्धि भक्ति, शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त, शुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का
सार है ये, भगवान को हमेशा स्मरण करना। इसलिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं ये सार होना चाहिए, ये उसका ये लक्ष्य है। इसलिए नियम आग्रह, नियम आग्रह वो हमें ये जो सभी विधि निषेध का सार है इससे दूर ले आता है। इसलिए वो हमारे रास्ते में एक रुकावट है। भक्ति की जो बहुत ही उन्नत अवस्था है उसमें जैसे हमने कहा कि ये विधि निषेध पालन करने के लिए भक्त बाध्य नहीं होता है। इसके बारे में बहुत सारे श्लोक हैं, श्रीमद् भागवतम में बताया है, ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वान अपेक्षकः। ज्ञान निष्ठा विरक्तो वा, जो ज्ञान में निष्ठ है, ज्ञान मार्ग में उत्तम अवस्था में पहुंच गया है, जैसे कि भगवान भगवद्गीता में तीसरे अध्याय में एवं प्रवर्तितम चक्रम बताते हैं कि जो भक्त, जो व्यक्ति आसक्त है इस भौतिक जगत में उसको ये चक्र का पालन करना चाहिए, अन्ना भवन्ति भूतानि। और उसके आगे फिर भगवान क्या श्लोक है वो, यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः। लेकिन जिसको आत्मा में रति है, जिसको आत्मा आत्मा में ही जो रमण कर रहा है, जिसको बाह्य चीज़ों में आकर्षण खत्म हो चुका है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई वर्णाश्रम के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं है। तो ज्ञान निष्ठो विरक्तो वा मद भक्तो वा अनपेक्षकः, और मेरा भक्त जो अनपेक्ष है, यानी जिसके अंदर से समस्त भौतिक इच्छाएं और पाप करने की वृत्तियां सब समाप्त हो चुकी हैं, उसके लिए सलिंगान आश्रमां त्यक्त्वा, वो सभी वर्ण और आश्रम के लिंगों को यानी सिम्टम्स, जो सिंबल्स हैं उसको छोड़ सकता है। वो बाबा जी वेश बोलते हैं उसको, संन्यास की जो परम अवस्था है, परमहंसा स्टेज, तो उसमें सन्यासी का दंड, शिखा और ये सब, तो वो बाबा जी स्टेज है। सलिंगान आश्रमां त्यक्त्वा चरेत अविधि गोचरा, बिना किसी विधि विधानों से बाध्य हुए वो विचरण करता है। तो जब भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सरस्वती महाराज का आविर्भाव हुआ, तो उन्होंने देखा कि वैष्णव संप्रदाय में क्या हुआ है कि बहुत सारे जो सभी जो वैष्णव, लगभग सभी जो वैष्णव हैं उस समय के, तो वो लोग इस प्रकार से सभी वो बाबा जी वेश धारण कर लेते हैं बहुत से लोग, लेकिन वास्तव में बाबा जी नहीं हैं, आसक्त हैं, इंद्रिय विषयों में आसक्त हैं, लेकिन बाबा जी वेश धारण कर लिए। तो इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, हालांकि वो बाबा जी हैं, लेकिन उन्होंने वैष्णव संप्रदाय में सबको सिखाने के लिए खुद दंड संन्यास आश्रम के सभी चिन्ह स्वीकार किए। तो ये जो लिंगों यानी सभी ये आश्रम इत्यादि वर्णाश्रम के नियमों को छोड़ना, ये अति उत्तम भक्तों के विषय में है। और वो भक्त भी स्वइच्छा से अन्यों को सिखाने के लिए वो नियमों का पालन कर सकते हैं, उसमें उनको कोई दोष नहीं है। भगवद गीता में यही भगवान बताते हैं कि उनके लिए कुछ करणीय नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि उनको कुछ ना करने की आवश्यकता है, वो चाहें तो कर सकते हैं, वो बाध्य नहीं है। यस यस, और चाहें तो और भी नियम पागल, लेकिन ये तो कम से कम करते ही हैं। तो उस दिन वो प्रभु जी कथा कर रहे थे, तो उसमें बोल रहे थे कि उधर वो जीव गोस्वामी और जब मीराबाई वो वृंदावन में जब वो आए, तो बाद में फिर रूप गोस्वामी बाहर आए और मीराबाई को उन्होंने आलिंगन किया। आई डोंट नो दैट इज पॉसिबल, प्रणाम किया ऐसे सुना है। महाराज जी बताते हैं कि बाबा जी वेश धारण करके भी एक नियम का वो पालन करते हैं, उससे दूर रहे। That's what he said. तो इसलिए ये बात जो है वो अधिकृत नहीं लगती है सर। इवन जो क्या बोलते हैं अजागर वृत्ति वाले वो भी।
फिर दूसरा है नियम अग्रह, यानी भक्ति के, हम फिलहाल भक्ति के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, भक्ति के नियमों के प्रति उदासीन होना, उदासीन होना, नियम अग्रह विशेष रूप से सहजीय मेंटेलिटी है। वो लोग राग मार्ग का अनुकरण करते हैं, जबकि सिद्धांत है श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र किन विधि बिना ऐकांत की हरेर भक्ति उत्पाता एव कल्पते। तो श्रुति स्मृति पुराण इन सभी शास्त्रों के अनुसार भक्ति होनी चाहिए। तो इन सभी शास्त्रों में बताया है किस स्तर पे व्यक्ति विधि विधानों से परे है, किस पे नहीं है, तो उसके अनुसार कार्य होना चाहिए। राग मार्ग के लक्षण क्या हैं, कौन व्यक्ति उसके लिए अधिकृत है, योग्य है, सबका अधिकार है, ये बहुत बड़ा प्रश्न, बहुत बड़ी बात है। अधिकार, हमारा सबका अधिकार क्या है, स्वे स्वे निष्ठा या अधिकार, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, अपने अपने अधिकार को समझना। तो जब हमारे अंदर लोभ होता है या प्रतिष्ठा आशा होती है तो हम अपना अधिकार नहीं पहचान पाते हैं। हम हमेशा अपने से उन्नत स्थिति को अपना अधिकार मानते हैं प्रतिष्ठा आशा की वजह से। इसलिए अगर ये दुर्गुण हैं तो फिर अपना वर्ण पहचानने में बहुत दिक्कत होगी, अपना आश्रम पहचानने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हम हमेशा प्रतिष्ठा के अनुसार चयन करने की कोशिश करेंगे अपना वर्ण और अपना आश्रम। तो इस तरह से फिर हम देखेंगे कि कोई सन्यासी बनना चाहेगा जबकि सन्यासी के उसके अंदर गुण नहीं है, और उस प्रकार से बहुत बड़ा समाज के अंदर विप्लव होता है प्रतिष्ठा आशा के लिए, या गुरु बनना चाहते हैं प्रतिष्ठा आशा के लिए, या ब्राह्मण बनना चाहते हैं। आजकल तो ज़्यादा नहीं है ब्राह्मण बनने का, इस्कॉन के अंदर है, बाकी समाज में तो कोई सामान्य रूप से कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र टूट गया है। हमारे समुदाय के अंदर ऐसा हो सकता है, भक्तों में ब्राह्मण दीक्षा चाहिए प्रतिष्ठा आशा के लिए, ब्राह्मण दीक्षा। कौन सा सूत्र है? हैं? कौन से कॉटन का सूत्र है कि? तो नियम अग्रह किस किस प्रकार से होता है? एक तो हमने बताया सहज या, और एक और प्रकार से नियम अग्रह होता है कि कुछ लोग ऐसा विचार करते हैं कि ये सब नियमों का पालन करना ये दिखावा है, तिलक लगाओ, कंठी पहनो, ये सब दिखावा है, जप करो दिखावा है, मैं तो मन के अंदर जप कर सकता हूँ, भक्ति तो अंदर से होती है, इसलिए ये सब नियम पालन करना ये सब दिखावा है। खाने से भक्ति का क्या फर्क पड़ता है? क्यों कुछ भी खाओ तो अंदर है, मतलब भक्ति तो मन में हृदय में। बंगाल में ऐसा करके फिर मछली और सब कुछ खाते हैं, माए बताते हैं कि मछली क्यों खा रहे हैं, गौरांग महाप्रभु ने तो मछली नहीं खाई। अरे गौरांग महाप्रभु तो गौरांग महाप्रभु हैं, उनकी नकल तो ना कर सकते हैं हम लोग। और फिर जब वो लोग भावावेश होकर लोटपट होते हैं तो अरे गौरांग महाप्रभु भी ऐसा किए इसलिए हम करते हैं। तो जो नहीं करना चाहिए नकल, जो नहीं अनुसरण अनुकरण में मिक्स करते हैं, क्यों? क्योंकि अंदर से जो है वो शुद्ध इच्छा नहीं है। जैसे पदयात्रा लोग बंगाल गए अब तो बता रहे थे वर्णन कि ऐसा पूरे इंडिया में कहीं होता नहीं जैसा स्वागत पदयात्रा का बंगाल में होता है। वो बता रहे थे वो वहाँ पर 3 महीने रहे बंगाल में, एक भी दिन उन्होंने अपने आप से उनको बनाने की जरूरत नहीं पड़ी भोग। हर दिन सब भक्त लोग कोई ना कोई, पूरा गांव का गांव आ रहा है पूरा स्वागत करने के लिए, और सब लोग अपने घर बुलाते हैं, आइए आइए हमारे घर में, विशेष रूप से बुलाते हैं, आपको यूरिन पास करना हमारे घर में आइए बैठिए। और जगह जाते तो ऐसे नहीं हो, एक जगह हम गए थे वहाँ पर एक आधी टॉयलेट था गांव में, तो वो भक्त लोग तो उसने लॉक लगा दिया, बोले यहाँ नहीं जाओ कहीं और। तो बंगाली भक्त हैं तो उनके अंदर ये भक्ति भावना है, बहुत स्वाभाविक है, लेकिन मछली खाना वो बहुत मुश्किल है। इस्कॉन के भक्त हैं जो गौड़िया और इस्कॉन, वो लोग रेस्ट्रिक्ट करते हैं, बाकी पूरे बंगाल में हैं गौरांग महाप्रभु के एक प्रकार से भक्त हैं उड़ीसा में भी, लेकिन ये बहुत मुश्किल है उनके लिए।
तो ये एक मनोधारणा है जिसकी वजह से नियमग्रह होता है कि ये सब दिखावा है, दिखावे के नाम पर नियमों का पालन नहीं करना। और दूसरा है वही बात की सहजी अभाव। फिर अभी आगे चलते हैं, ये हुआ नियमाग्रह और नियम अग्रह। इसके बाद अगला विषय है जनसंग। जनसंग इसका अर्थ है जो भौतिकतावादी विचार रखने वाले लोग हैं, भौतिकतावादी मानसिकता वाले लोग हैं, ऐसे लोगों का संग करना वो जनसंग कहलाता है। वास्तव में जन ये स्त्री पुरुष दोनों के लिए उपयोग में आता है, तो दोनों ही स्त्री पुरुष वो जो भौतिकतावादी मानसिकता वाले हैं उनका संग करना। तो इसके विपरीत है साधु संग, जनसंघ के विपरीत है साधु संग। तो साधु संग के यशोगान में तो बहुत सारे श्लोक हैं, हम लोग अक्सर सुनते हैं। ये मे भक्त जना पार्था न मे भक्तास चते जना मद भक्तानाम च ये भक्तास ते मे भक्त तमो मता। अर्थ जो बोलते हैं कि भगवान कि जो बोलते हैं कि वो भगवान के भक्त हो नहीं भक्त के भक्त, और जो बोलते हैं कि वो भगवान के भक्तों के भक्त हो भगवान। हाँ, तो भगवान जो हैं वो जो भक्तों के शरण में जाकर के भगवान की सेवा करते हैं उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, और जो भक्तों के संग के बिना, भक्तों की शरणागति के बिना डायरेक्टली अपना रिलेशनशिप भगवान से बनाना चाहते हैं, भगवान उनको स्वीकार नहीं करते हैं, वो भगवान को प्रसन्न नहीं करता है। तो यहाँ से पता लगता है साधु संघ का महत्व कि भगवान के भक्तों के बिना डायरेक्ट हम लोग नहीं पहुँच सकते हैं। नैशम मतिस्तावदुरुक्रमांघ्री स्पृशति अनर्थापगमो यदर्थः महीयासाम पादरजोभिषेकम निष्किंचना नामना वृणीत यावत। ये श्लोक किसने बोला? प्रहलाद महाराज अपने पिताजी को बता रहे ना, नहीं क्षमतावत कि आप जब तक जो है भगवत भक्तों के अभिषेक चरण के अभिषेक नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। निष्किंचना नामना वृणीत यावत। तो ये जो जनसंघ है, अभक्तों का संघ इतना ज़्यादा खतरनाक है, और इसका विपरीत भक्तों का संघ करना इतना महत्वपूर्ण है कि ये भक्ति अंग में रूप गोस्वामी ने रखा है 64 अंगों में। संग त्यागो विदूरेण भगवत विमुखैर जनई। जो भगवत विमुख हैं, जो लोग भगवान से विमुख हैं, ऐसे जन, ऐसे लोगों का संग त्यागो विदूरेण, दूर से त्याग दो उनको, बहुत सावधानी से उनका संग त्याग। दूर से त्यागने का मतलब सावधानी से उनका संग त्यागना चाहिए जो भगवान से विमुख है, जो भगवान से विमुख है। तो ये जनसंग छोड़ने के अंतर्गत जो उपदेशामृत में चौथे श्लोक में जिस प्रकार से 6 लक्षण बताए हैं प्रीति के, तदाति प्रतिज्ञाति इत्यादि, उस संदर्भ में हमें जो भौतिकतावादी लोग हैं उनके साथ संग नहीं करना चाहिए। एक सामान्य कार्य भौतिक जगत के अंदर जो हमारे लेन देन के कार्य हैं उसमें, वो लेन देन के कार्य में उसको उस प्रकार से संग लेना नहीं कहेंगे। मान लीजिए आप टिकट काउंटर पर जा रहे हैं, अभी आपको टिकट लेना है, तो अभी आप बोले नहीं हम संग नहीं करते, तो दैट मिनिमल डीलिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ मेटल वर्क डन। लेकिन उसमें हमारा उनके प्रति कोई श्रद्धा नहीं है, उनसे हमें सुनने की कोई वो नहीं है, और इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम ऐसे कोई कंपनी में और बहुत बाहर जगत में उनके ऊपर निर्भर होते हैं तो धीरे 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 वो संग बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, हम विशेष रूप से उनके ऊपर आश्रित होते हैं। तो ये जो जनसंग है भक्तिवेन ठाकुर इसके अलग अलग प्रकार बता रहे हैं, 7 प्रकार का ये भौतिकतावादी लोगों का संग, 7 प्रकार के लोग बता रहे हैं। पहला है मायावादी और नास्तिक, दूसरा है इंद्रिय भोगी, तीसरा जो इंद्रिय भोगियों के मित्र हैं, जो इंद्रिय भोगी जिनको बहुत पसंद हैं, चौथा स्त्री, पांचवा जो स्त्रियों में आ सकते हैं, छठा
धर्मध्वजी, और सातवां जो वर्णाश्रम के बाहर हैं, जिनके आदतें बहुत ही निम्न स्तर की आदतें जिनके अंदर हैं, हैं नहीं विकर्मी, मतलब जो विशेष रूप से सिंफुल एक्टिविटीज़ के एडिक्टेड हैं, मांस खाना, शराब पीना, ऐसे मतलब आजकल के ज़्यादातर लोग हाँ या अच्छे कर्म करते वो भी उनको तो विकर्म ही नहीं या या विकर्मी विकर्मी यस विकर्मी मतलब जो पाप कर्म करते हैं सो तो मायावादी कौन है जो भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं को नित्य नहीं स्वीकार करते हैं कि ये नित्य नहीं है, भगवान के नाम रूप गुण लीलाएं ये नित्य नहीं है, ये भी माया जनित है, तो मायावादी कहलाते हैं। ये अर्थ है मायावाद। कृष्ण परम सत्य है, उसका वास्तव में कोई नाम रूप गुण लीला नहीं है। जो भी नाम रूप गुण लीला है, अगर कृष्ण और राम इत्यादि जिनको भगवान माना जाता है, तो वो सत्वगुण का विकार है, वो स्वभाव, वो परम सत्ता का स्वाभाविक गुण नहीं है, वो भी एक विकार है सत्वगुण का, ऐसा जो सोचते हैं। तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने चैतन्य चेतावन में उनके विषय में बताया है, वैष्णव हय्य जेव शरीर का भाष्य सुने, सेव्य सेवक का भाव छाड़ी, अपनार ईश्वर माने। तो क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति वैष्णव है, लेकिन अगर वो शरीर का भाष्य सुनता है, तो क्या होता है, शरीर का भाष्य मतलब शरीर का भाष्य सुना है, शरीर का भाष्य नहीं बोल रहा हूँ, शरीर का भाष्य शंकराचार्य जी की जो हाँ भगवद्गीता के ऊपर जो वेदांत सूत्र के ऊपर जो टिप्पणी है, उसको शरीर का भाष्य कहते हैं। तो सेव्य सेवक भाव छड़ी, उससे क्या होगा, सेव्य सेवक भाव खत्म हो जाएगा, क्योंकि सब एक ही है, दो है ही नहीं, सेवक और सेव्य एक ही है। तो इसलिए, और भक्ति का मूल क्या है, सेव्य सेवक और सेवा, ये तीन चीज़ मिला करके भक्ति होती है। और मायावाद का मतलब दो अंतर कोई है नहीं, एकम, एक ही है सब, तो सेवक सेव्य दो अलग नहीं है और भक्ति सेवा बीच में है ही नहीं फिर, तो इसलिए भक्ति का सर्वनाश होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, मायावादी हाँ ये तो याद है, ठीक है, मायावादी भाष्य सुनने हो सर्वनाश, ओके। फिर नास्तिक, नास्तिक मतलब जो वेद शास्त्रों को ही स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस प्रकार से उन लोगों का संग करना, वो भी जनसंग कहलाता है। फिर जो लोग भौतिक भोग विलास में लिप्त हैं, ऐसे लोगों का संग करना वो भी बहुत खतरनाक है। मायावादी जितना खतरनाक नहीं है, लेकिन बहुत खतरनाक है वो भी। जो लोग हमेशा से इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं, तो उनके अंदर हमेशा ईर्ष्या, द्वेष, हिंसा, ये सब दुर्गुण पाए जाते हैं, क्योंकि इंद्रिय भोग करने से यही चीज़ें दुर्गुण जनित होते हैं, लड़ाई झगड़ा, व्यर्थ का वाद विवाद, ये सब उन लोगों के जीवन का प्राथमिक गुण होते हैं। जितना अधिक वो इंद्रिय भोग में लिप्त होते हैं, उतना ही उनकी भोग करने की इच्छाएँ और बढ़ती जाती हैं, और इसीलिए उनको कभी भगवान की कथा श्रवण करने का समय नहीं मिलता है, ये उनका लक्षण होता है, क्योंकि उनकी इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं अपर्याप्तम बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, पूरी नहीं होती हैं, इसलिए वो कभी उनका समय नहीं। तो इसलिए हम कई बार जब जाते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, सबसे बड़ी कंप्लेंट क्या है, समस्या लोगों के साथ क्या है, टाइम नहीं मिलता है। भगवद्गीता हाँ हाँ है, भगवद्गीता है बस,
हमको क्या बोलते हैं, आप बच्चों के लिए एक साल में कितनी किताब खरीदते हैं और पूरे आध्यात्मिक जीवन के लिए बस एक, और वो भी पढ़ी नहीं। नहीं बोलो एक किताब घर में है तो बोले अरे है वो ही नहीं पढ़ी, तो आगे और क्या पढ़ेंगे। बिल्कुल इसके प्रति निश्चेष्ट हैं। अभी एक चीज़ हमने देखी, अभी जहाँ हम जा रहे हैं, प्रभुपाद की भगवद्गीता सबसे ज़्यादा घरों में है कंपेरेटिवली नाउ, मोस्ट फेमस बुक। कई बार तो हम देखने के लिए बोलते हैं ऐसे बोलते हैं कौन सी है, यही है दिखाओ, वास्तव में यही लेके आते जाते लोग, लेकिन पढ़ते बहुत कम हैं उनमें से। और एक बहुत प्रचलित वहाँ पर था महाराष्ट्र में, हम अपराध नहीं करना चाहते, किताब लेंगे और उसका अगर दुरुपमान हो गया, मैंने जो साधु किताब दे रहा है उसको नहीं ले रहे हो, सबसे बड़ा अपमान हो रहा है, इसको इसको समझा। रखना अगर पढ़ा नहीं उसको तो अपमान हो जाएगा, मतलब कोई ना कोई इनके बहाने हैं कुछ ना कुछ, और प्रचलित हैं ऐसी चीज़ें बहुत सारी, और वो भी लड़ाई हो जाएगी भगवद्गीता रखने से, लड़ाई महाराष्ट्र में भी है ये कुछ, राजस्थान में लड़ाई वाले तो बोलो इतने सारे घर में लड़ाई हो रही है, वहाँ सब जगह है भगवद्गीता, कौन सा घर ऐसा है जहाँ लड़ाई नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा कौन सी कथा में आता है ऐसा, मतलब कोई पुराण में नहीं, ऐसे अपने आप बोलते हैं वो लोग, अपने आप तो ही लोग, हाँ यही बात बोलते हैं, पढ़ना है तो ही लेना है। फिर तो गए काम से, मतलब देखिए अगर उल्टा है तो चलेगा, इधर ये वाला है तो नहीं चलेगा कभी। एक व्यक्ति था पूरा खूब कीर्तन हो रहा था, शाम को सब लोग इकट्ठा हो गए, और भगवान है कीर्तन है तो बहुत आकर्षण होता है, सब लोग इकट्ठा हो गए, तो वो एक आदमी खड़ा था, हम लोग ऐसे देखते रहते हैं कौन जो है ज़्यादा आकर्षित है, तो वो बेस्ट कैंडिडेट है, वो सब ध्यान रखना पड़ता है। और एक आदमी है रथ जा रहा है और देख नहीं रहा है उसकी तरफ, उसके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है वहाँ पर, तो ये सब टेक्निक्स है देखने की, समझ नहीं कौन बुक लेगा। तो एक आदमी पूरा चिपक के ऐसे ऐसे देख रहा था, अच्छा तो फिर हम उसके पास गए तो भगवद्गीता दिखाई, थोड़ा 5 मिनट एक्सप्लेन किया, तो उसने लगभग मन बना लिया खरीदने का, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई सुनो जी। तो पत्नी कहीं और थी, वो उस समय वहाँ आ गई, तो उसने पीछे मुड़ के देखा और पत्नी ने ऐसे 2 बार गर्दन हिला दी, वापस बुक दे दी हमको। फिर हम ऐसे लोगों को ज़्यादा फिर ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि हमने देखा है वो कि एक बार वहाँ से मना हो गया तो फिर दोबारा यहाँ नहीं होते। लेकिन कई ऐसे भी हमें मिले, कम थे, जहाँ पर माताएं कम से कम विरोध नहीं कर रही थी अगर पति ने बुक लिए तो, और कुछ जगह पे दोनों ही प्रसन्न थे, ऐसे बहुत कम थे, लेकिन ज़्यादातर केस ऐसे ही है। में 5 साल की दुकान है हार्डवेयर की, उसने 5-6 बुक ही लेने के लिए रख लिए थे, हम बैठ के पत्नी आई उसने जोर से चिल्लाया एक बात बताया, सोना पहनते हो घर में, रखता ना घर में, मैं ये आर्ग्यूमेंट जो नहीं पहन भी तुम्हें करना, सोना कहाँ पहनता है, रखे रखता स्टॉक में, इधर रखे तो इंद्रिय भोगियों के संग के विषय में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कहते हैं, विषयीर अन्न खाइल मलिन होय मन, मलिन मन होइले नहे कृष्णेर स्मरण। तो अगर विषयीर यानी कि जो लोग इंद्रिय भोग में लिप्त हैं, ऐसे लोगों के द्वारा पकाया हुआ अन्न यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमारा मन मलिन हो जाता है, और मलिन मन में फिर कृष्ण का स्मरण नहीं होता है। और जो लोग ऐसे इंद्रिय भोगियों में के प्रति आसक्त होते हैं, उनकी बड़ाई करते हैं, उनके प्रति आकर्षित होते हैं, वो लोग भी इंद्रिय भोगी ही गिने जाते हैं, वो लोग भी इंद्रिय भोगी बन जाएंगे आज नहीं तो कल, इससे दोनों का ही संग त्याज्य है। फिर अगला जनसंघ में अगला है स्त्री संघ। तो विपरीत लिंग का संग करना वो आध्यात्मिक प्रगति के लिए, एक भक्त के लिए बहुत बहुत हानिकारक है। जब स्त्री और पुरुष विवाहित हैं धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार, तो फिर उनके आपस में बात करने में कोई पाप नहीं है, बल्कि वो अगर
अपने दोनों ही अपने धर्म का पालन कर रहे हैं तो फिर वो भक्ति में मदद रूप है, क्योंकि वो शास्त्र के द्वारा सम्मत है, इसलिए उसमें कोई पाप नहीं है। लेकिन यदि पुरुष और स्त्री वैवाहित हैं लेकिन यदि वो दोनों ही अपने अपने धार्मिक नियमों का पालन नहीं करते हैं तो फिर वो दोनों ही असत्संग करेंगे, स्त्री पुरुष, स्त्री संग पुरुष संग, वो दोनों ही त्याज्य है। और यदि कोई एक दोनों में से कोई एक जो है वो भक्त नहीं है या शास्त्र के सामान्य नियमों का पालन नहीं करता है तो वो भी दूसरे के लिए असत्संग है। इसलिए हम देखते हैं रामानुजाचार्य, तो जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी ने उनके गुरु का अपमान किया तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी को मायके भेज दिया, उनके मायके, टैक्टफुली। लेकिन स्त्री के केस में अगर पुरुष जो है वो भक्त नहीं है तो वो है असत्संग, लेकिन सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत जो स्त्री की स्थिति है डिपेंडेंस की, उसके लिए ओवरऑल फिर भी बाह्य रूप से कम वो त्यागना सामान्य रूप से हितकर नहीं है, एक्सेप्ट इन वेरी वेरी एक्सट्रीम केसेस। लेकिन आंतरिक दृष्टि से तो उसको समझना चाहिए कि वो वो संघ जो है वो भक्ति के लिए हितकारी नहीं है, लेकिन अगर वो अपने धर्म का अनुशीलन करती रहेगी तो उसका लाभ उसको जरूर होगा। लेकिन जब वैवाहिक संबंध नहीं है तो स्त्री और पुरुष को बातचीत करना दुर्भावना से वो स्त्री संघ कहलाता है और ये पापमय है और भक्ति सेवा के लिए अत्यंत हानिकारक है। इसलिए भागवतम में कहा गया है ना तथास्य भवेन मोहो बंधश्चान्य प्रसंगतः योषित संगात यथा पुंसो यथा तत्संगी संगतः। ऐसा और कोई बंधन नहीं है जो इतना कड़ा हो जितना कि योषित संग से, स्त्री संग से, यानी कि वैवाहिक जीवन के बाहर स्त्री के लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री का संग करना वो सबसे बड़ा बंधन है। या संगी संगतः, या जो लोग ऐसे अवैध संबंध के संगी हैं ऐसे लोगों का संपर्क या उनसे आसक्ति रखना या उनका संग करना वो अत्यंत हानिकारक है। और जो सन्यासी हैं उनके लिए तो किसी भी प्रकार का स्त्री के साथ बात करना इत्यादि वो बिल्कुल वर्जित है, बहुत मिनिमम। सामूहिक रूप से स्त्री पुरुष हैं उनको निर्देश देना, लेकिन अन्यथा एकांत में किसी भी परिस्थिति में एक सन्यासी के लिए स्त्री के साथ संभाषण करना वो पूर्ण रूप से वर्जित है। फिर अगला प्रकार है जनसंघ का धर्मध्वजी। धर्मध्वजी का मतलब क्या है गुरुदासु? हाँ, जो धर्म के का दिखावा करते हैं, यानी कि जो चिन्हों को तो धारण करते हैं, दिखाते हैं कि हम लोग धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, हम लोग भक्त हैं, लेकिन वास्तव में हृदय से भक्त नहीं हैं, वो किसी और हेतु के लिए भक्ति कर रहे हैं या धर्म का अनुशीलन कर रहे हैं, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा या स्त्री का संग प्राप्त करने के लिए, अन्य किसी ऐसे ग्रॉस सिंफुल अन्य ऐसे हेतु से जो धर्म का दिखावा करते हैं वो धर्मध्वजी कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं भाई सारे बहुत सारे ढोंगी लोग हैं जो ऐसे किसी पाप में हेतु से ढोंग करते हैं, क्योंकि साधु के वेश में या जो लोग धार्मिक हैं उनको ये सब आसानी से चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं सेवा के रूप में, तो ऐसे गलत हेतु से जो लोग धर्म का अनुशीलन करते हैं, गुरु
अपने को गुरु या सन्यासी स्वामी व्यक्त करते हैं वो लोग धर्मध्वजी कहलाते हैं। तो धर्मध्वजी दो प्रकार के हैं, एक जो दूसरों को ठगते हैं और दूसरे जो ठगे जाते हैं, दोनों ही धर्मध्वजी, यानी एक जो ठगते हैं और एक जो मूर्ख जो ऐसे के द्वारा ठगे जाते हैं, लेकिन दोनों का ही हेतु कुछ और है, इसलिए वो दोनों ही धर्मध्वजी कहलाते हैं। धर्मध्वजियों से संग करने से अच्छा है कि हम इंद्रिय भोगियों का संग कर लें, लेकिन धर्मध्वजियों का संग नहीं करना चाहिए, वो बहुत विनाशकारी है। तो उसमें कुछ प्रकार हैं, जैसे कि वैष्णव वेश धारण किया है लेकिन हृदय में मायावाद है, ये एक प्रकार का धर्मध्वजी है वैष्णव संप्रदाय में, ऐसे लोग हैं, वैष्णव हैं बाहर से हृदय में मायावादी, जैसे द्वारका हैं, हाँ, तो जैसे इवन द्वारका में अभी वहीं पर पास में ही शंकराचार्य का मठ भी है, चार मठों में से एक, तो द्वारका के जो पुजारी हैं एक समय पर, अभी बता नहीं मुझे, एक समय पर, तो वो लोग हृदय में ये मायावाद है, वो लोग स्पष्ट रूप से ही सोचते हैं कि जो ये जो द्वारकाधीश हैं निराकार ब्रह्म में से आए, हाँ हाँ यस, बड़ा गुरुकुल भी है, हैं हाँ स्वामीनारायण को, तो वो लोग वैष्णवी लोग, तो वो तो अपने को वैष्णवी बोलते हैं, यस यस देर ऑल्सो धर्मध्वजी, यस यस, वही निराकार ब्रह्म है। तो जैसे एक चैतन्य चेतावन में एक लीला में रामदास विश्वास एक तथाकथित वैष्णव थे जो 24 घंटे राम 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 नाम लेते थे, अष्टप्रहर राम नाम जपेन रात्रि दिने सर्व त्यजी चलीला जगन्नाथ दर्शने, तो वो जगन्नाथ का दर्शन करने गए, 24 घंटे राम 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 नाम लेते थे। रामदास यदि प्रथम प्रभु रे मिलेला महाप्रभु अधिक तान रे कृपा न करीला, हालांकि रामदास विश्वास पहली बार चैतन्य महाप्रभु को मिले लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको कोई कृपा नहीं की, क्यों? अंतरे मुमुक्षु तेन हो, अंदर में वो क्या थे? मुमुक्षु, मुमुक्षु मतलब मुक्ति की इच्छा रखने वाले, ब्रह्म में लीन होने की इच्छा रखने वाले, यानी मायावादी। अंतरे मुमुक्षु तेन हो विद्या गर्ववान, और दूसरा क्या थे? अपनी विद्या के प्रति बड़े गर्वित थे वो। सर्वचित्त ज्ञात प्रभु सर्वज्ञ भगवान, तो चैतन्य महाप्रभु सबका हृदय जानते हैं, इसलिए उन्होंने जान लिया कि ये मुंह में राम राम है लेकिन हृदय में मायावाद है, इसलिए उन्होंने उसके ऊपर कोई विशेष कृपा नहीं की। रामानंदी वहाँ पर भी मायावाद है, उधर भी और नाडियाड में तो वो तो आउटराइट, वो तो कह रहा आउटराइट मायावादी है, यस। रामानंद जी के विषय में ऐसा कुछ है, वो एग्जैक्टली पूरा भी मायावाद नहीं है, मायावाद का टच है कुछ, भक्ति का पथ है, शंकर का मत भी है, लेकिन वो लोग जो राम कृष्ण ये सब का जो शरीर है उसको भी माया का जनित नहीं मानते हैं, इसलिए वो एग्जैक्टली मायावाद इसलिए कहा जाता है कि राम कृष्ण इत्यादि का तो भगवान राम का नित्य रूप है ऐसा स्वीकार करते हैं, इस प्रकार का कुछ है, वो ऐसा नहीं है कि लीन होना है ब्रह्म में बस वही फाइनल है, तो वो तो सीधा मायावाद हो जाता है, महाराज के थोड़ा मिश्रा टच है, किस प्रकार से टच है, क्या टच है उसमें? मुक्ति की इच्छा, प्राइमरली जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, सेवा नित्य स्वीकार, फिर सायुज्य में कैसे आसक्त रहेंगे, मतलब चार वैष्णव संप्रदाय वाली मुक्ति की इच्छा नहीं, वो तो नहीं होगी, जैसे अर्चा विग्रह का पूजन करते हैं तो ओ टाइम हो गया।
सॉरी अभी एक इसको ठीक है ख़त्म कर लेते हैं। फिर अगला लास्ट जो प्रकार है जनसंघ का वो है आउटकास्ट, जो सभी प्रकार के गर्हित कार्यों में लिप्त रहते हैं। तो इसमें अगर ऐसे गर्हित कार्यों में कोई व्यक्ति लिप्त है तो वो असत संग है, लेकिन अगर ऐसे गर्हित कार्यों में लिप्त होने वाला व्यक्ति यदि भक्तों के संग में आकर के भक्ति को ग्रहण कर ले, लेकिन अभी भी उसके अंदर कुछ गर्हित कार्य शेष रह जाए, तो फिर उसका संग वो असत संग नहीं कहलाता है। कोई गंभीरता से भक्ति को ग्रहण कर रहा है लेकिन अभी पूर्व अभ्यास से कुछ गर्हित कार्य अभी भी शेष हैं, तो फिर वो असत संग नहीं कहलाता है। इसलिए अपिचेत सुधराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रे वस मंतव्य सम्यक व्यवसितो हि सा क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। तो कंक्लूजन ये है कि महत्वपूर्ण, चाहे कोई पुण्यशाली है चाहे कोई पाप में व्यक्ति है, अगर वो कृष्ण भावनामृत से रहित है तो उसका संग असत संग है। अगर कोई व्यक्ति पाप में कार्यों में लिप्त है इस वजह से कि पूर्व वेग, पूर्व जो उसका जीवन था उसमें पाप में कृत्यों का प्रभाव की वजह से अभी वो पाप में कृत्यों में लिप्त है, उसका संग वांछनीय है, वो ठीक है। लेकिन कोई पुण्यशाली व्यक्ति है, कोई पाप नहीं करता है, नेक ईमानदार, लेकिन भक्त नहीं है, वो बेकार है। उसके विपरीत वो व्यक्ति जो भक्ति स्वीकार किया है, अनर्थों से ऊपर निकलने का प्रयास कर रहा है लेकिन अभी अनर्थ हैं, उसका संग वो ज़्यादा प्रगत है, उसका संग हम कर सकते हैं। लेकिन एक नेकी नेक व्यक्ति का संग नहीं करेंगे जो भक्त नहीं है। लेकिन अक्सर हम क्या देखते हैं कि लोगों के अंदर एक प्रकार के स्तर पे जो लोग सामान्य धर्म का अनुशीलन करते हैं उनके प्रति श्रद्धा होती है, आदर सम्मान होता है। तो अगर कोई भक्त है जिसके अंदर अनर्थ हैं ना, तो उसके अनर्थों को देख करके जिनसे वो लड़ रहा है उसको देख करके उनको लगता है ये क्या बेकार आदमी। लेकिन दूसरा व्यक्ति जो सामान्य धर्म का पालन कर रहा है लेकिन भक्त नहीं, कहता ये कम से कम ईमानदार तो है ना, भले ही भक्त नहीं है तो क्या हुआ, ईमानदार तो है ना। लेकिन हमको समझना पड़ेगा भगवत भक्ति हीनस्य, जो भगवत भक्ति के हीन है उनकी जाति तप श्रुत धर्म का पालन करना वो सब क्या है, मंडनम लोकरंजनम, अप्राणस्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम, वो ऐसे ही है जैसे मरे हुए आदमी का अलंकार। तो इसलिए भौतिक गुण अगर भगवत भक्तिहीन भक्ति के बिना हैं उसका कोई यूज नहीं है। लेकिन यदि किसी भक्त में अगर वो अवगुण अवशेष रह गए हैं जिनके प्रति धीरे धीरे वो प्रयासरत है, तो फिर वो उसका संग वर्जित नहीं है, वो हम उसका संग कर सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? थोड़ा तेज बोलिए ना, उधर भी इधर भी सब बहुत लोग सुन रहे हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि जो चाहते हैं कि जन्म मुक्ति जनावर से बाहर आए, लेकिन ये जन्म मुक्ति जनावर जी भौतिक जगत में है और इस भौतिक जगत की अधिष्ठा अधिष्ठात्री माया देवी है, दुर्गा है, तो उसको वर्षित करके हम इससे बाहर निकलेंगे और फिर मुक्ति प्रदाता सर्वेशां विष्णुरेव न संशयः। मुक्ति प्रदान करने वाले एक ही हैं विष्णु। तो अभी जेलर है, क्या जेलर को ये पावर है कि वो किसी को जेल से किसी को रिहा कर सकती है? मूर्ख। मतलब देखिए, मतलब वो शक्तज हैं, शक्ता देवी उपासक हैं, देवी उपासक हैं। तो देवी उपासकों के विषय में भगवान क्या बोलते हैं, माया या अपृत ज्ञान। तो माया के द्वारा उनका ज्ञान अपृत होने के कारण
वो जो है शास्त्र के वास्तविक अर्थ को नहीं समझ पाते हैं, उसका उल्टा सीधा करके जो जो ऐसी चीज़ें हैं जो उनको मोहित करने के लिए हैं उसी को परम वाक्य मान करके मोहित हो जाते हैं। नहीं वो लोग हैं ना वो, अच्छा तो साथ में से हमने बात किया ना जो इंद्रिय भोग में जो लिप्त हैं। यस हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।